अब आते हैं हम केरल पे। केरल के बारे में भी इसी तरीके से जानकारी लेंगे और आप विविधता समझिए। केरल, केरल ये भाग है, केरल बहुत छोटा स्टेट है, लेकिन हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन स्टेट है। क्यों, अब आप समझेंगे। केरला साउथ वेस्ट कॉर्नर इस जगह पे इंडिया के हैं। यहां पर अरेबियन सी है, नीचे इंडियन ओशन है, यहां अरेबियन सी है, नीचे इंडियन ओशन है, और यहां पर इसके जो यहां इलाके हैं, यहां पर पहाड़ हैं, हिल्स हैं, और इन्हीं पहाड़ों में खासतौर पर मन्नार जैसी जगह पे, वहां पर आपको बहुत बेहतरीन स्पाइसेस मिलेंगे। ये जो स्पाइस है यहां पर, वो इतने बेहतरीन हैं, इतने बढ़िया क्वालिटी के हैं, पेपर, क्लो, कार्डमम, यानी कि आपको काली मिर्च, लौंग, इलायची सब यहां मिलता है बेहतरीन क्वालिटी का। इसके अलावा यहां पर बहुत सारे ट्रेडर्स आते हैं, और ट्रेडर्स जब पुराने जमाने में, ऐतिहासिक जमाने में भी, अरब्स और ज्यूइश यानी यहूदी, ये लोग यहां पर आए खास तौर पे इसी काम के लिए। और जो एपोसल है यानी भगवान के, क्राइस्ट के जो दूत थे, सेंट थॉमस साहब, ये माना जाता है कि यहां पर आए तकरीबन 2000 साल पहले आए, और फिर वहां से क्रिश्चियनिटी यहां पर आई। मैं एक दो चीज और बता दूं आपको कि यहां पर बहुत बेहतरीन जगह है ये, अगर आपको मौका लगे तो जरूर जाइए। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है, वायनाड वो जगह है जहां से राजीव गांधी, कांग्रेस के जो एक्स प्रेसिडेंट है, वो यहाँ के एमपी हैं। इसके अलावा मलप्पुरम, गोल्ड लोन वगैरह आपने सुना होगा। फिर ये एल्फाजू, यहाँ पर बहुत बेहतरीन, यहाँ पर ये नौका खासतौर पर ओणम में बहुत अच्छी रेस होती है, और बड़ा सुंदर इलाका है, गॉड ओन कंट्री है ये, ओणम फेस्टिवल सबसे ज्यादा मनाया जाता है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर जैसे मैंने बताया, सेंट थॉमस साहब माना जाता है 2000 साल पहले आए, और क्रिश्चियनिटी वो यहाँ पर लेके आए। फिर उसके बाद बहुत सारे अरब यहाँ पर आए, और जैसे इब्न बतूता जो यहाँ पर आए 700 साल पहले, इब्न बतूता, इन्होंने बकायदा अपने ट्रैवल वृत्तांत में लिखा है कि मुस्लिम्स के बारे में लिखा है, उनकी कम्युनिटी कैसे थी, कितने रिस्पेक्टेड लोग थे। इसके अलावा पोर्चुगीज ने भी इसको डिस्कवर किया, इंडिया में आए, ये भी एक नया रूट इन्होंने देखा। और फिर वास्को डी गामा वो भी यहाँ पर लैंड हुए, वास्को डी गामा ये भी यहाँ पर आए। ठीक, अच्छा, इसमें इतना ज्यादा हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस आप देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको बाहर की दिख जाती हैं। जैसे केरल में आप चाहे इस्लाम की बात करें, चाहे आप जुडाइज्म की बात करें, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सारे धर्म हैं। इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर कम्युनल इतनी हार्मनी है, इतने प्यार से, मोहब्बत से लोग रहते हैं कि पूछिए मत। ये फिशिंग नेट जो आप देख रहे हैं ना, ये जो फिशिंग नेट है ये बिल्कुल चाइनीज फिशिंग नेट जैसा है। इसको कहते हैं चीना वाला। क्या कहते हैं? चीना वाला। इसके अलावा इनके जो खाने के बर्तन है उसमें भी चीनी आपको थोड़ा सा फ्लेवर मिल जाएगा, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं कढ़ाई नुमा चीज, ये भी चीन, इसको कहते हैं चीना चट्टी। ये क्योंकि चीन से आई है इसलिए दोनों का नाम चीन की तरफ हो गया। यहां पर बरसात बहुत बेहतरीन होती है। एक जून को मानसून केरला से ही एंटर करता है, और यहां पर बरसात बहुत अच्छी होती है, फर्टाइल लैंड है, क्लाइमेट बहुत अच्छा है। और इसके अलावा लोग जो यहाँ पर राइस, फिश और वेजिटेबल खाते हैं, मोस्टली फिश खाते हैं, और बहुत बढ़िया यहाँ का चावल देखेंगे ना, बड़ा मोटा सा चावल होता है, जैसे बुलेट जैसे चावल खिलाते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, इतने प्यारे लोग हैं कि पूछे मत। अब क्यों बेहतरीन है, इसने क्यों हिंदुस्तान का नाम ऊंचा कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे बेहतरीन है। सेक्स रेशियो यानी कि औरतों का नंबर मर्दों से ज्यादा है, 77 साल तक अमूमन आदमी जीता है, सबसे कम करप्शन इसी स्टेट में है। इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम, पहले इसको त्रिवेंद्रम बोलते थे। भाषा यहाँ पर मलयालम बोली जाती है, और बहुत बढ़िया स्टार्स हैं यहाँ पर, ममूटी जैसे। पॉपुलेशन करीबन आप 3 करोड़ के आसपास मान लीजिए। लिटरेसी रेट इसका 94% है, और अब ये हो गया 99.9%। एरिया तकरीबन इतना है, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर।